नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है। प्रशासन ने 13 दिनों के बाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बंद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है। वहीं प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया पर निगरानी रखना जारी रहेगा और किसी भी तरह के विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद नूह में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 2 होमगार्ड, 1 इमाम समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई थी। IIT के दीक्षांत समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्नातक छात्रों को संबोधित करते हुए रविवार को कहा कि वह अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत में बच्चों को अपनी अपनी मातृभाषाओं के साथ हिंदी भी सीखनी चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने देश की स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने स्नातक छात्रों से संस्कृत भाषा, उपनिषदों और वेदों में उपलब्ध ज्ञान के भंडार का उपयोग करने का भी आग्रह किया। गृह मंत्री ने कहा कि वह अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी प्रकार के ज्ञान का विरोध नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनमें हमारी संस्कृति, इतिहास, साहित्य और व्याकरण समाहित है। हमें अपनी भाषा को मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण पहलू बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषाएं भी सीखनी चाहिए, लेकिन गुजरात के बच्चे को गुजराती और हिंदी दोनों सीखनी चाहिए, असमिया को असम की भाषा और हिंदी, और तमिल को तमिल और हिंदी दोनों सीखनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ती हैं तो उनकी जीत तय है। उन्होंने कहा कि वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार रविवार 13 अगस्त को मुंबई में संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोकसभा सीट निकालना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि प्रियंका जीतेंगी। राउत ने कहा कि 2024 में पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेठी, वाराणसी और रायबरेली सीट पर बदलाव का भी दावा किया। आपको बता दें कि वर्तमान में वाराणसी से PM मोदी, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रायबरेली सीट से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी सांसद हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी हिंसा परेशान करने वाली है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा, विभाजन, नफरत और गुस्से की एक विशेष प्रकार की राजनीति का सीधा परिणाम है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसलिए एक परिवार के रूप में सभी को एक साथ रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी को न केवल मणिपुर का जख्म भरने में मदद करने के लिए एक साथ आना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की राजनीति ना फैले और इसे तुरंत रोका जाए। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के 2 दिवसीय दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि जब से उन्होंने मणिपुर का दौरा किया तब से वह परेशान है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि वहां क्या हुआ और मणिपुर के लोगों के साथ क्या किया गया। अपने 19 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया जो मणिपुर में अनुभव किया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा है मानो एक व्यक्ति के 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया हो। यह ऐसा है जैसे किसी ने भारत संघ के एक पूरे राज्य को तोड़ दिया हो। हिंसा, बलात्कार और हत्याएं जारी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मणिपुर में तुरंत हिंसा रोकी जाए। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि हिंसा के परिणाम स्वरूप जख्मों को ठीक होने में कई साल लगेंगे। ये दुख और गुस्सा इतनी आसानी से दूर नहीं होगा। जूनियर पहलवान की हत्या मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि उन पर जूनियर एथलीट सागर धनखड़ की हत्या और हत्या के प्रयास के साथ साथ दंगा और आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। दिल्ली पुलिस ने धनखड़ हत्याकांड में अदालत में 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इस बीच उन्हें दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। सुशील कुमार को यह जमानत मेडिकल आधार पर घुटने की सर्जरी कराने के लिए दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि जमानत के दौरान सुशील कुमार गवाहों से संपर्क नहीं करेगा। आपको बता दें कि सुशील कुमार पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद के चलते 2021 में 4 और 5 मई की रात को
दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में 23 साल के पहलवान सागर धनखड़, उसके दोस्त सोनू और 3 अन्य लोगों पर हमला किया था। बाद में सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यानी आज 14 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इस बात की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर से रविवार 13 अगस्त को जारी एक बयान में कहा गया कि यह संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनल पर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। बयान में कहा गया कि दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल की ओर से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण को प्रसारित करेगा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए आज 14 अगस्त को सुशील मोल्दो में 19वें दौर की बातचीत होगी। वहीं इससे 4 महीने पहले हुई 18वें दौर की बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। कोर कमांडर लेवल पर होने वाले इस बातचीत में भारत का जोर देपसांग और डेमचौक इलाके से सेना हटाने पर होगा। आपको बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन सीमा विवाद को सबसे कठिन डिप्लोमेटिक चुनौती बता चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था कि सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास खत्म हो गया है। करीब 3 साल से ज्यादा समय से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। आपको बता दें कि 15 जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के करीब 40 जवान मारे गए थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कल रविवार 13 अगस्त को कहा कि कुछ शुभचिंतक उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। शरद पवार ने कहा कि हमारा स्पष्ट विचार है, बीजेपी से हमारे विचार मेल नहीं खाते। साथ ही उन्होंने अजीत पवार के साथ अपनी सीक्रेट मीटिंग को लेकर कहा कि मेरे घर या किसी और के घर मिलना गुप्त कैसे हो सकता है। एनसीपी प्रमुख ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की राजनीतिक नीति में फिट नहीं बैठता। उन्होंने कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरी पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। शरद पवार ने कहा कि कुछ शुभचिंतक उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सीनियर पवार ने बिना नाम लिए आगे कहा कि हम में से कुछ ने अलग रुख अपनाया है। हमारे कुछ शुभचिंतक है देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वे हमसे सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही शरद पवार ने अजीत पवार के साथ शनिवार को पुणे में हुई उनकी गुप्त बैठक के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह मेरे भतीजे हैं और भतीजे से मिलने में क्या बुराई है। यदि परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि एनसीपी नेता अजीत पवार पिछले महीने पार्टी से बगावत कर 8 अन्य विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।